वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं सलीम जॉन, कैमरामैन तारिक प्यारा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वो दिन है जब यीशु मसीह नासरी को सलीब दिया गया। इस दिन में लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और दोस्तों, आज मैं यूहन्नाबाद के एक इलाका ई ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फैमिली है, उन्होंने 100 देगों से खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। और यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे भाई को है, ये देगों तैयार कर रहे हैं। और लाहौर में मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर लोग आएंगे, मुख्तलिफ चर्च से लोग आएंगे जो जिन्होंने अपने नाम लिखाए हुए हैं, ताकि वो इन देगों को अपने चर्चिस में ले जाकर लोगों को तकसीम कर सके। ये जो शुक्रगुजारी हो रही है, इस वक्त हमारे साथ एक अमरीकी भाई है, क्रेड थॉमस, तो इनसे भी जानते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। सर, व्हाट अबाउट यू? थैंक्स। आई थिंक इट्स अमेजिंग सीइंग चर्चेस ऑन 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, and this is fantastic. The whole community coming together, the churches working together to feed the community. I think it's an amazing thing. I love the churches in the world. जी नाजी, इस वक्त मेरे साथ भाई अदनान है जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया, और उनकी मिसिज है रुबैका बादी। तो भाई कपड़े का काम करते हैं, इनकी मिसिज जो है वो स्टाफ नर्स है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतना बड़ा गोल कैसे आपकी समझ में आया कि हम लोग पूरा कर सकते हैं? ऐसे ही काम जब शुरू किया तब एक देख से स्टार्ट किया। हमने कहा उदाहरण जैसे जैसे सबका जीते था जाएगा तो हम जीते जाएंगे, तो साथ दिए लोगों ने, तो मुझे खुशी हुई है यार। एक देख से हमने करते करते आज 100+ देखा। बाजी आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, आप लोगों ने ये आज सिखा दिया है कि अगर खुदावंद की शुक्रगुजारी करने का कोई अहद कर ले तो वो जरूर पूरा होता है। और ये आज साहब भी बड़े भाई हैं मेरे साथ, इस वक्त इनसे भी बात कराते हैं। ऐसे भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा खुदावंद आपको ब्लेसिंग दिया है, और ये कैसा महसूस कर रहे हैं? हम खुदावंद का शुक्रगुजार कर रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का पानी तो ये हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग है जो हमारे साथ है, उनके हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल कर। जी अदनान भाई और उनकी फैमिली ने ये सारा अरेंज किया है, और आज इनके वसीला से बहुत सारे चर्चेस में ये सारे जो खाना वो पहुंचेगा, और लोग जो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा गोल है जो एक आम बंदे के लिए समझ से बाहर है। जी, इस फैमिली के ये मेरे साथ मेंबर है भाई अमू सिद्धार साहब, इनसे भी बात करते हैं। जी भाई, आपने ये काफी एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की है, तो ये कहाँ कहाँ और कौन सी जगह पे ये खाना जो तकसीम किया है? और ये मैं खुदावंद की शुक्र गुजार हूँ कि ये मैंने नहीं चुना, खुदावंद ने उसे चुना है। और ये करीबन 7-8 साल की एज में खुदावंद ने उसे चुन लिया था, और शुरू से लेके छोटी एज में जब मेरे से कपड़ों के लिए पैसे लेने ना, तो वो जाके खुदा के घर में खर्च करते हैं जिद के साथ लेने। और आज वो भी खुदावंद का जलाल जाहिर हो, ये हमारी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, ये खुदावंद का फजल है कि मेरे बेटे को शुरू से खुदावंद छोटी एज में ही इस्तेमाल किया है। जी नाज़रीन, ये वो वालदा है जिन्होंने अपने बेटे की शुरू से ही इस राह पे तरबियत की, खुदावंद की खिदमत करे, तो आज आप सब देख सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर खुदावंद की उन्होंने खिदमत की है। जी, तो आप जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए, माओं को, बहनों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा काम है ना, अपने बच्चों को खुदा की राह की तरबियत करें, क्योंकि ये दुनिया की शान और शौकत पल भर की है। तो अपने बच्चों को बचपन से ये नहीं,
आजकल लोग कह देते ये बच्चे हैं, अभी समझदार नहीं। समझदार तब होंगे। मेरी माँ कहती थी तू बड़ी जालिम है, इतनी छड़ी मेरे हाथ में होती थी, मैं दुआ करने के बगैर रोटी नहीं खाने की। और मेरी माँ ने कहना मैं नहीं तेरे को लाना, तू बड़ी जालिम है। तो मैंने कहना नहीं, पहले दुआ करो फिर रोटी खा ली। तो ये सारा मैं कहती हूँ, मैं तो सबसे नचीज हूँ, ये खुदा का फजल है। और आज तक मेरे सारे बच्चे खुदा मिले हैं। कमियां तो होती हैं लेकिन सब बच्चे खुदा के साथ हैं। बेटियां भी बेटे भी, और सब माओं को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये तरबियत के जो खुदा को देता है उसका कभी कम नहीं होता, उसका बढ़ता है। जी नाजिन, अभी मेरे साथ फरियाद जलाल साहब है, इनसे भी जानते हैं। पर सब आप जो सारी खिदमत है उसके बारे में, अदनान साहब की और फैमिली की, आप उसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको सलाम करता हूँ। हमारे अदनान भाई की खिदमत जो है वो बड़ी अच्छी है। जब से उनकी मैंने साथ जब भी रात के वक्त या कभी भी मेरे साथ बिशप आसिफ रंधावा साहब है। आप आसिफ साहब ने भी आपकी सारी खिदमत जो अभी चल रही है उसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ अदनान हारून के लिए और उसकी सारी फैमिली के लिए। अदनान को खुदा ने बहुत अच्छा दिल दिया हुआ है और खुदावंद ने उसको ब्लेस किया है, उसके बिजनेस को, उसकी फैमिली को ब्लेस किया है। और वो हर साल जो है वो गुड फ्राइडे पर खुदावंद के लिए खाना देते हैं। लेकिन ये सिलसिला अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। पहले यानी कुछ 50 देखे थी, फिर वो 60 हुई, फिर 80 और फिर 100 या 100 से ज़्यादा जो है और भी डिमांड आ रही है, क्योंकि मैंने भी उनको और डिमांड कुछ चर्चेस की भेजी। तो ये इतनी ज़्यादा देखी जो है वो तैयार करके हर चर्च में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गुड फ्राइडे के दिन जो है वो भेज रहे हैं। नेशनल न्यूज़ जो हर काम में आगे आ गया है और उसने पाकिस्तान की हर एक मसीहों की खबर को वो हाईलाइट करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं नेशनल न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ, उनके बेहतरीन काम की मुबारकबाद देता हूँ और नेशनल न्यूज़ के तवसल से सबको हैप्पी ईस्टर भी कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पास्टर असगर जॉन साहब है। पास्टर साहब मेरे लिए और मैं खुदा का खादिम पास्टर असगर जॉन बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि भाई अदनान और उनकी फैमिली और उनके जो टीम के लोग हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और 100 से ज़्यादा देखे हैं जो इस मुबारक जुमे को वो तकसीम करेंगे मुख्तलिफ चर्चिस कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। और ऐसे लोग जिन्होंने रोज़े रखे हुए हैं ये उनके रोज़े खुलवाने के लिए देखे बना रहे हैं और ये हर साल बनाते हैं और ये खुदा इनको दिन ब दिन तौफीक दे रहा है। और मैं कहता हूँ ऐसी खिदमत बहुत बड़ी खिदमत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस महंगे दौर में, बहुत महंगाई का दौर है, बड़े महंगे चावल हैं, बड़ी महंगी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। एक देग बनाना मुश्किल है और ये 123 दीगे हैं जो इस जुमे को, इस मुबारक जुमे को चर्चेस के अंदर तकसीम करेंगे। और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। खुदावंद इनको और भी तौफीक दे, हम इनके लिए दुआगो हैं और जितने और लोग देख रहे हैं आप भी दुआ करें कि हमारे मसीही लोगों में ऐसा शौक पैदा हो कि हम भी बहुत सारा काम कर सकें और ये कुर्बानी दे सकें। और मैं भी खुदा का खादिम होते हुए जब देखें कितना बड़ा काम हो रहा है आपको दिखाना चाहता हूँ और आप भी दुआ करेंगे और मैं भी दुआ करूँगा ताकि खुदा को बड़ी बड़ी। नाजी, इस वक्त मेरे साथ पास्टर सुनील है। जी सब आपके सारी खुद देख रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुरू खुदावंद के नाम में आप सब इस्लाम की लोग दिल शुक्रगुजारी से भरा है इस सारे काम के लिए।
दुआ है कि खुदा इसी तरह आप लोगों को जिस तरह अदनान हारून जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि आज के दिन बहुत सारे चर्चेज में ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और ये खुदा के कुरान के मुताबिक भी ये बरकत की बात है। सो हमारे चर्च एमजीए चर्च टाउन की तरफ से मेरी तरफ से इस पूरी टीम के लिए दुआ है कि खुदा इन्हें यूँ ही अपने जलाल के लिए और लोगों की भलाई के लिए इस तरह के कामों के लिए जो इस्तेमाल करें। जी नाजरीन, आपने ये सारी आज की रिपोर्ट देखी है और एक बड़ी खिदमत है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम दावत के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने सारे दिल से आप दावत पर एतमाद रखें और खुदा आपको हिम्मत ताकत और रुपया पैसा कसर से मुहैया करेगा। और अगर आप दिल से खिदमत करना चाहें तो खुदावत ये सब भी करवा सकता है। तो इसके साथ ही मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को इजाज़त दीजिएगा। अगले शो के साथ फिर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।